मौसम हो गया ठंडा एकदम मस्त, घूमने का ही मजा आएगा ठंडे मौसम में। और ये घूम रहा है हमारा छोटा शेर। हेलो, तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, फिट एंड फाइन हो गए। मैं और दीपक भाई और राजू भाई और अपना मोहन भाई, वो है दो ये और एक जा रही है ये R15। दीपक भाई का सडनली प्लान बना कि हम लोगों ने जाना है हनुमान धाम मंदिर, तो भाई ने बोला आज दिन है मंगलवार का, तो इसलिए भाई और हम चलते हैं हनुमान धाम। आज दिखाएंगे आपको हनुमान धाम नाइट में व्यू, मतलब नाइट में हनुमान धाम आपको कैसा दिखता है, मतलब जैसा भी होगा। दिन भी अच्छा है, दिन भी आज मंगलवार का है। अभी पहुंच चुके हैं रामनगर। रामनगर में ट्रैफिक आपको दिख ही रहा होगा, ट्रैफिक बहुत रहता भाई भाई भाई, ट्रैफिक बहुत रहता है यार रामनगर में शाम के टाइम पे। ओ भाई, भाई ट्रैफिक देख रहे हो कितना है, मुझे लग रहा है चालान भी कट गया क्या। चालान कट रहा था पीछे, वो तो सही ना, हेलमेट वेलमेट लगा के आ रखे हैं। वो पहुंच चुके हैं हम ये मस्त न्यू पुल पे। ये अभी पुल नया बना है फिलहाल ही में, और शाम के टाइम पे इधर आपको काफ़ी बंदे घूमते हुए मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी रौनक देखने को मिलेगी। एक ये जा रही है अपनी बाइक और एक जा रही है अपनी ये धन्नो। मौसम देख लो भाई, क्या मस्त मौसम हो रखा है यार, ठंडा एकदम। शाम के टाइम मज़ा वैसे घूमने का रामनगर पुल में ही है भाई, काफ़ी लोग आ गए थे घूमने के लिए। अभी जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता रहेगा, हल्का हल्का, ज़्यादा अंधेरा नहीं, और हल्की भीड़ मिलती रहेगी, क्योंकि पहले था कुछ और रामनगर, अब रामनगर में बहुत चेंज हो चुका है। रामनगर में ना आपको 24 घंटे बस चलती हुई मिलेंगी, ट्रैफिक मिलेगा रात को 1 बजे के बाद, क्योंकि मैं कभी मरचूला से आता था ना जिस टाइम डीजे बजाने के बाद, तब 1 बजे के बाद इधर को थोड़ा भीड़ भाड़ कम दिखती थी, वरना पूरी रात इधर ट्रैफिक चलता है। और ये खुल चुका है इधर नया पेट्रोल पंप। अगर रामनगर मार्केट से निकल के आप हल्द्वानी की साइड को आ रहे हो तो आपको इधर पेट्रोल पंप मिल जाएगा, और फिर वरना तो इसके बाद आपको सीधा मिलेगा बैल पड़ाव, या उसको पार करके, बैल पड़ाव पार करके ही मिलेगा, उससे पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है। दीपक भाई को हमारे बहुत जल्दी है, वो भाग गए, वो आगे को गोली गाड़ी लेके आ रहा है एकदम। शीशे को नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा डाउन, क्योंकि बैक लाइट मार रहा है, इसलिए मतलब थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही थी गाड़ी देखने में। और ये जा रही है दीपक भाई की गाड़ी अपने, दीपक भाई पूरा देख लो, यही महिंद्रा थार भाई कब आएगी यार हम पे। महिंद्रा थार की भी एक सपना है भाई, क्या पता यार, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है तो ये सपना जरूर सच होने वाला है एक दिन। तो आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज़ यार सपोर्ट करो चैनल को, ज़रा थोड़ा शेयर करो वीडियो को, साथ वालों को भी दो वीडियो, और कमेंट करो जो आपको देखना पसंद है वीडियो में, फिर उस तरीके की वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए। फिलहाल तो यार जितना हमसे हो रहा है ना उतना हम कर रहे हैं आपके लिए, जितना हो रहा है उतना मैं भी कर रहा हूँ, आप भी यार थोड़ा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में ना आपका कुछ जा रहा है यार, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो। और आज जो हनुमान धाम का नाइट का जो व्यू होने वाला है ना, अगर बढ़िया लगे तो कमेंट जरूर करना यार। बाकी अभी जा रहे हैं हनुमान धाम, देखते हैं, मंगलवार है तो काफ़ी भीड़ मिलेगी हनुमान धाम में, और जैसा सोच के आ रखे हैं अगर वैसा मिल जाए तो और बढ़िया है। और ये है देखो हनुमान धाम 500 मीटर इधर से, आधा किलोमीटर मतलब इधर से, तो ये गया हनुमान धाम के लिए रास्ता। जिसने देख रखा है बहुत बढ़िया बात है, और जिसने नहीं देखा है वो एक बार आके हनुमान धाम में दर्शन करके जरूर जाएं, क्योंकि बहुत बढ़िया मंदिर है यार, देखने में भी काफ़ी प्यारा मंदिर है। अभी भी इसमें काम चल ही रहा है हनुमान धाम मंदिर में। पहले करते हैं फटाफट से गाड़ी को पार्क,
मिरर लगा देता हूँ गाड़ी को यार। अबे भाई तो गाइस ये है हनुमान धाम का बाहर का नज़ारा और मार्केट है थोड़ा सा ये। और अगर आप इस साइड को या अगर इधर रहते हो तो इधर काफ़ी आपको मतलब इधर रुकने का भी अब तो बंदोबस्त हो गया है, पहले नहीं था बट अब काफ़ी कुछ सुविधा इधर हनुमान धाम में मिल चुकी है। और हनुमान धाम का नज़ारा जो है वो कुछ बाहर से तो कुछ इस कदर है, बाकी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। नाइट का व्यू है, फ़ोन से इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। चले अंदर, सुबह से भी करते हैं एंट्री अंदर। ये है नाइट का व्यू हनुमान धाम का। ये था नाइट का व्यू हनुमान धाम का। और यार अंदर जो है ना वीडियो बनाना अलाउड है नहीं, थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया मैंने और आज मंगलवार का दिन था, आप देख रहे हो। यार ऐसे मैं क्या ही दिखाऊं, अगर आप खुद आकर देखोगे तो और बढ़िया लगेगा आपको। बट मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि एक बार हनुमान धाम ज़रूर आओ, एक बार हनुमान जी के दर्शन करके ज़रूर जाओ। और मंगलवार को स्पेशली आपको पता ही है कि हनुमान धाम हनुमान जी का जो दिन होता है वो मंगलवार का होता है। और ये है हनुमान जी को जो कलावा चढ़ाया जाता है, बांधा जाता है, जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं वो लोग इधर अपना कलावा चढ़ा के जाते हैं, बांध के जाते हैं। और काफ़ी बढ़िया है, मतलब एक बार आप खुद आके देखोगे तो यार आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये रहा हनुमान धाम का बैक साइड का पार्क। सो गाइस हनुमान धाम ये रहा नाइट का व्यू। टाइम कितना हो गया भाई? 8 बज गया। टाइम भी काफ़ी हो चुका है और आरती वगैरह अंदर सब कर ली थी, अंदर वीडियो बनाना अलाउड था नहीं, वरना तो वीडियो अंदर का सारा व्यू दिखाता। बट बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अंदर आके, अगर आप आ रहे हो तो एक बार आओ और देखो। मैंने वैसे मैंने ये बात बहुत बार बोल दी बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, चलो कोई नहीं, अगर आप आगे देखोगे ना खुद अपने आप तो फिर और बढ़िया लगेगा यार। सो अभी हम लोग चलते थे घर को, क्योंकि यार टाइम हो चुका है बहुत और यहाँ से कम हमें पड़ेगा 15-16 किलोमीटर हमें घर पड़ेगा। ये खड़ी है अपनी धन्नो और दीपक है भाई अपनी ससुराल, उसको मैंने कॉल किया था, बंदा बस क्या ही बोलूँ यार अब। चलो कोई नहीं, आगे से काम पड़ेगा। ड्रामे दिखा रही है हमारी धन्नो भी, ड्रामे दिखा रही है ओपन होने में, चलता है। सो अभी यहाँ से करते हैं ब्लॉग को एंड और फिर मोटो ब्लॉग करते हैं शुरू अपन लोग। सो गाइस ये था हनुमान धाम का व्यू नाइट का, आप लोगों ने देख लिया। तो गाइस ब्लॉग को करता हूँ यहीं बंद। यार फ़ोन से इतनी ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं आ रही थी बट फिर भी आप अगर खुद आके देखोगे ना तो बहुत ही मस्त यार देखने में, एक सुकून जैसा, दिल को ना सुकून जैसा मिल जाएगा।
अगर आप खुद देखने आ रहे हो तो वीडियो करता हूँ यहीं बंद। फटाफट से मैं जाता हूँ घर को, क्योंकि यार राजू भाई के घर से आ रहा है कॉल। वैसे तो कुछ नहीं, राजू भाई को कहीं जाना था इसलिए, तो वीडियो करता हूँ यहीं बंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पीछे से राजू भाई भी बोल रहे हैं, तो मेरे लिए तो कम से कम राजू भाई की मान लो। सब्सक्राइब करें यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट मी। अभी चलते हैं फटाफट से घर को और ब्लॉग को करते हैं यहीं बंद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।